हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर से चैप्टर फोर पागल हाथी पढ़ेंगे। तो जिस तरह से कि हाथी के बारे में जाना जाता है कि हाथी जब तक मालिक के प्रति वफादार रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक बार यदि उस पर पागलपन सवार हो जाता है तो वह किसी को नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा ही मोती ऐसे तो बहुत वफादार था, लेकिन जब वो पागल हुआ तो उसने अपने राजा को भी नहीं छोड़ा। तो आइए कहानी पढ़ते हैं, पागल हाथी। ये प्रेमचंद की कहानी है। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। तो ऐसे सीधा समझदार था, लेकिन कभी कभी उसका मिजाज बहुत गर्म हो जाता था। वो अपने आपे में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी की सुध नहीं रहती थी। वह महावत का भी दबाव नहीं मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उसे क्रोध आया। उसने मोती से राजा साहब ने मोती की पदवी को छीन लिया। उसे राजा साहब की खास सवारी, पहले तो वो खास सवारी हुआ करता था, लेकिन अब उसे खास सवारी से हटाकर कुलियों की तरह लकड़ियां ढोने का काम करने को दे दिया गया। जब वो अपनी इस दशा को देखता तो बहुत दुखी होता। अकेले में जब होता, जब उसका पागलपन कुछ कम होता तो वो अपनी दशा को देखता तो दुखी होता। सोचता कि कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था, राजा मुझे इतना प्यार करते थे, और कहाँ आज मैं एक मज़दूर की तरह हूँ। यह सोचकर वो ज़ोर ज़ोर से चिंघारता और उछलता। मतलब वो अपने गुस्से को और अपने दुख को इस तरह से अपनी हरकतों से जाहिर करने का प्रयास करता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर को तोड़ दिया और जंगल की ओर भाग गया। थोड़ी दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले तो नदी में जाकर मोती ने खूब नहाया, फिर वहाँ से जंगल की ओर चला गया। उधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े कि पागल हो गया है, कहीं लोगों को नुकसान पहुँचाएगा, पर डर के मारे कोई उसके पास नहीं जाता था। जंगल में पहुँच कर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, इसलिए कि जहाँ से पकड़ के लाया गया था अब उसको अपने पुराने साथियों की याद आई। उसे लगा कि अब राजमहल में रहना बेकार है, मुझे अब जंगल में ही चले जाना चाहिए। तो वो अपने साथियों को ढूंढने लगा। जंगल में हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखी तो मुँह फेर लिया, इसलिए कि कोई भी हाथी का झुंड अपनी झुंड में ऐसे हाथियों से जो कि निष्कासित समझ लीजिए होते हैं उनको नहीं अपने झुंड में शामिल करते हैं। उनको लगता है कि ये कमज़ोर हो चुका है या ये पागल हो चुका है, तो इसलिए वो नहीं रखते हैं। तो सारे हाथी ने मुंह फेर लिया, उसे वापस महल की ओर ही जाना पड़ा। अब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो वो वापस महल की ओर चला। रास्ते में ही था कि देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर आ रहे हैं। अभी वो रास्ते पर आ रहा था कि उसने देखा कि राजा साहब आ रहे हैं। वह फौरन एक चट्टान की आड़ में छिप गया। उसने सोचा कि मैं छुप जाऊं, कहीं मैं पकड़ ना लिया जाऊं। तो धूप तेज थी और राजा साहब ज़रा दम लेने के लिए घोड़े से उतरे। अचानक मोती चट्टान की आड़ से राजा साहब पर गरजता हुआ दौड़ा। उसने राजा साहब पर हमला किया। राजा साहब घबरा कर भाग गए और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। कुछ देर बाद मोती वहाँ भी पहुँच गया। वो सोच रहा था कि राजा साहब ने मुझे निकाल दिया है, अपनी मेरी पदवी छीन ली है, तो मैं इन्हें जीवन से ही मुक्त कर दूँ। तो इस तरह से वो राजा साहब पर हमला करना चाहता था, और जहाँ जहाँ राजा साहब जाते थे वो उनका पीछा करता। और उसने जिस झोपड़ी में वो गए तो वहाँ भी घुस गया और उसने वहाँ से का छप्पर गिरा दिया। फिर उस छप्पर को पैरों से रौंद कर चूर चूर कर दिया। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। वो सोच रहे थे कि अरे अब तो मैं अकेला हूँ, अब मैं कैसे बचूँगा। जान बचाने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ नहीं उन्हें समझ में आया तो जान पर खेलकर वो दीवार पर चढ़ गए। थे तो राजा, लेकिन अब करते क्या, उन्हें अपनी जान बचानी थी, तो इसलिए वो दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूद के भाग निकले। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंडूरा पिटवाया। भागे और भागकर महल गए। महल जाकर उन्होंने ढिंडूरा पिटाया। ढिंडूरा पहले ज़माने में लोग एक ढोल पिटवा करके मुनादी कराया करते थे, ऐलान कराते थे। तो इस तरह से ढोल पिटवा करके जो ऐलान कराया जाता था उसको ढिंडूरा पिटवाना कहा जाता था। तो उन्होंने ढिंडोरा पिटवाया कि जो आदमी मोती को ज़िंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1,000 रुपये दिया जाएगा। तो
कई आदमी इनाम के लालच में उसे पकड़ने जंगल में गए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। मोती ने सबको मार डाला। मोती के महावत का एक लड़का था जिसका नाम था मुरली। महावत जिसको कि मोती ने मार डाला था, तो उसी का एक बेटा था मुरली। वह अभी छोटा था, उसकी उम्र 8 साल की थी। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पीने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली था तो छोटा, किंतु उसमें हिम्मत बहुत थी। वह कमर बांधकर मोती को पकड़ कर लाने के लिए तैयार हो गया। उसने राजा साहब से कहा कि मैं मोती को पकड़ के लाऊँगा। तो वह जंगल में जाकर एक ऊँचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहाँ से इधर उधर नज़र दौड़ाकर मोती को देखने लगा। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर आ रहा है। जैसे ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। बहुत प्यार से पुकारा, तो प्यार से किसी को भी वश में किया जाता है। तो मोती मुरली को देखते ही पहचान गया कि वह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड में उठाकर मस्तिष्क अपने माथे पे बैठा लेता था। हाथी ने सोचा कि पहले तो मैं ऐसा करता था, लेकिन अब मैंने इसके पिता को मार डाला है। यह सोचकर उसे उसके ऊपर दया आ गई कि तो वह खुशी से सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ के नीचे से उतरा और सूंड को थपकियाँ देने लगा। फिर उसने बैठने का इशारा किया। उसने कहा कि मैं बैठूं, इशारे से हाथी से कहा। तो मोती बैठा नहीं, उसने मुरली को अपनी सूंड में उठाकर पहले की तरह अपने माथे पर बैठा लिया, सर पर बैठा लिया और जंगल की राजमहल की ओर चल पड़ा। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा, तो सब ने दातू तले उंगली दबा ली। दातू तले उंगली दबाना मतलब हैरत में सब पड़ गए कि अरे इतने बड़े बड़े लोग गए लेकिन नहीं ला पाए, और ये छोटा सा बच्चा कैसे ले आया। मुरली ने चिल्ला कर कहा, डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी को नहीं मारेगा। राजा साहब ने मुरली को 1,000 रुपये इनाम दिया। राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। ये हुआ कैसे? ये मुरली की सूझबूझ से हुआ। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी काम सूझबूझ से करना चाहिए। थैंक यू।